हेलो दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ लखनऊ। तो लखनऊ में आज हम दिखाने वाले हैं लखनऊ का रेड लाइट एरिया और नाइट में जो इनका रेड लाइट एरिया है वो साथ साथ में हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये है लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन। तो स्टेशन से ही जैसे कि आप यहाँ से लगभग 100 मीटर या 50 मीटर के दूर एक ब्रिज पड़ता है जो जाता है केसरबाग को और लगभग इस रोड के उस पार से वहाँ तक जाता है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, ये वही रोड है तो ब्रिज के नीचे ही है और ये रेड लाइट एरिया है और यहाँ पे हम ब्रिज के ऊपर चढ़कर के आपको दिखा रहे हैं। तो अलग अलग ये लड़कियाँ शिकार बनाती हैं और शिकार बना करके अपने जाल में फंसाती हैं। फंसाने के बाद आपसे ये इनके जो लोग होते हैं वो सेट होते हैं। तो ऐसे में आप लखनऊ आए तो कभी भी यहाँ पे देखिए, रोड के बगल में तय कर रहा है कोई भी कितना पैसा लोगी कितना नहीं लोगी। ये यहाँ पे इनके पास में खड़ी होकर के बातचीत कर रही हैं और कितना मतलब कि इनका सेट होता है उस प्रकार से ये पैसा आपसे लेने का प्रयास करेंगी इनका एक। तो यहाँ ब्रिज के नीचे आप देख रहे हैं बहुत सारे कंडोम में फेंके गए हैं। तो ये यहाँ का और वो देखिए जा रही है। तो यहाँ पे आप जब आएंगे तो आप पूरी तरह से सतर्क रहें, ब्रिज के आगे पीछे ना जाएं। और ऊपर की ओर से हम एक बार दिखाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ टहल रही हैं और आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि ये कौन सी लड़कियाँ हैं। लेकिन हम आपको ये बता दें वीडियो के माध्यम से, और बनाने का उद्देश्य यही है कि आप जब भी आए लखनऊ तो यहाँ पे जेब कतरों से तो डर लगता ही था लेकिन आज की डेट में आप इनसे डरिए। और डरने के साथ साथ में आपको ये बताना आवश्यक है कि ये अपने जाल में फंसा करके आपसे पैसा ऐंठेंगी और उसके बाद इनका जो भी मतलब कि पैसा लेन देन होता है वो ले करके ये और भी लेने का प्रयास करती हैं। तो यहाँ पे कितनी गंदगी है ब्रिज के ऊपर और यहाँ पे कितने सारे कंडोम फेंके गए हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात में यहाँ पे क्या माजरा रहता होगा और क्या यहाँ पे आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं इस गली से, इस ब्रिज से अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी मध्य में खड़ी हुई है और ये हम छुप करके आपको दिखा रहे हैं वीडियो किसी तरह बनाए। ये देखिए ये तुरंत लेकर के जा रहे हैं, ये यहाँ पे ऐसे हम दुकान पर खड़े रहते हैं। उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे, उसके बाद कहेंगे कि क्या सर्विस लेना चाहते हैं और आपसे पूछती भी है क्या कुछ हमला है क्या। तो ऐसे में आप जब भी यहाँ पे स्टेशन के बगल में आए तो यहाँ पर बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है ताकि आप इनसे आकर के फंसे ना। और ये ब्रिज के नीचे से आप देखिए कई सारे यहाँ पे टहल रही हैं और रिक्शे में बैठ करके जाती हैं, जब सेटिंग हो जाती है। और सेटिंग के साथ साथ में आपको ये भी बता दें कि आप जब भी आए यहाँ तो आप अपने जेब में पैसा लेकर के लाएँ और जब भी जाएं उनके साथ में तो आपको पहले यहाँ पे आप दो लोग हो, दो से तीन लोग तभी उनके घर में जाएं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही ख़राब बात है कि हमारे इस यहाँ पे रेड लाइट एरिया का यहाँ पे मंजर देखने को मिल रहा। देख रहे हैं यहाँ पर ये देखिए एक लड़की ऐसी भी है जो खुद करा करके लेकर के जा रहे हैं और मैं इसका वीडियो जो बताया तो इसका माध्यम ये है कि आपको कैसे ये पैसा ले करके और आपको जो तय हुआ रहता है उसके अलावा ये पैसा आपसे मांगेगी। तो आप बिल्कुल सतर्क रहें, ये देखिए आस पास में कितना ये लोग टहल रहे हैं, ये इसी के चक्कर में टहल रहे हैं कि अब मतलब कि इनको कोई फंसाए और आप फंस जाओ। तो यहाँ पे आप जब भी आए लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन तो यहाँ आप देखेंगे जो आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है ये आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अभी दिन का समय है। तो रात का समय कितना